हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका प्यारा अरविंद फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि इस मानसून के सीजन में आप बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। मैं पौधे लगाने का आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पौधे बरसात के सीजन में 100% लगेंगे, गलेंगे नहीं और बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। उसके लिए आपको गमले की पुराने मिट्टी को ताकतवर मिट्टी बनाइए और उसमें 6 से 7 प्रकार के खाद डालिए, जिससे आपके पौधे आसानी से लगेंगे, जल्दी ग्रोथ होंगे और इसमें फ्रूटिंग फल बहुत जल्दी आएंगे। तो आप फ्रूट प्लांट्स को भी गमले में लगाइए जो कि आसानी से लगते हैं और ये 6 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग एवं फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो आपको पौधे को कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है और मिट्टी में क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको 2 प्लांट शेयर करके बताऊंगा। देखिए, यह पहला अंगूर का पौधा है जिसे आप लगाइए, आसानी से लगते हैं उसका। दूसरा यह पपीता का पौधा है जो कि 6 महीने में ही ये सभी ग्राफ्टिंग प्लांट है और फल देना चालू कर देगा। तो आपको किस गमले में लगाना है और कैसे मिट्टी बनाकर पौधे को लगाना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। क्योंकि मानसून के सीजन में वैसे तो प्लांट्स लगाना बेहद ही आसान है, तो आप इस सुनहरे अवसर को खोई नहीं और फ्रूट प्लांट्स या फ्लावर्स प्लांट्स को आसानी से आप गमले में लगाइए। बिना देखभाल के ये सारे प्लांट्स आसानी से लग जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसा आपको तरीका बताऊंगा कि आपके पौधे लगेंगे, गलेंगे नहीं ना मरेंगे। उसके लिए आपको थोड़े से पौधे को केयर करना है जिससे आपके प्लांट्स आसानी से लग जाए। इसके लिए आप ऐसे गमले का चयन करें जो कि डेप्थ ज्यादा हो। तो हमने थर्माकोल वाले डब्बे को लिया जो कि बेहद ही सस्ता मिलता है और उसकी लंबाई चौड़ाई एवं डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। उसके लिए आपको महंगे गमले खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए, यह थर्माकोल का डब्बा है जो कि आसानी से मिल जाता है और 30 से 40 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको 300 से 400 की गमले खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और इसमें आप प्लांट्स को लगाइए, प्लांट्स अच्छे से लगेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जगह होता है, डीप बहुत होता है। तो इसका आप गमला बना लीजिए और उसमें मिट्टी फिलिंग करके प्लांट्स को लगाइए, आसानी से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो होंगे। बेहद ही सस्ते एवं टिकाऊ होते हैं और बहुत ही बड़े आकार के पोट होते हैं जो कि आसानी से इसमें आप प्लांट्स को लगाइए, लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको गमले की मिट्टी को कैसे बनानी है, इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर डालना है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने पुराने गमले की मिट्टी ली है, उसके बाद देखिए नीम का जो पत्ता है उसको हमने सुखा के रख लिया, उसके बाद लहसुन का छिलका है, उसके बाद चूना है, उसके बाद नीम खल्ली, उसके बाद लकड़ी का राख है और उसके बाद दोस्तों गाय से बना गोबर का खाद है और रिवर सेंट है। इन सभी को मिलाकर एक ताकतवर मिट्टी बनाइए, आपके प्लांट्स अच्छे से लगेंगे क्योंकि बरसात के मौसम में आपको ताकतवर मिट्टी चाहिए जिसमें फंगस को हटाता है। तो हमने पुराने गमले की मिट्टी को सनलाइट में 2 से 3 दिन तक रख कर सुखा कर मिट्टी अच्छी तरह से नम बना लिया है। सुखाने से ये होता है कि इसमें मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे फंगस को या जड़ से सफाया कर देता है और मिट्टी आपकी रिचार्ज हो जाता है। तो देखिए, गाय से बना गोबर का खाद है जिससे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, खनिज, जिंक, आयरन पाया जाता है जो हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाता है, कलीला नमित करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसका आपको 1 किलो ले लेना है। पुराने गमले की जो मिट्टी आपने सुखा के रखी थी बरसात के पहले, उसमें अच्छी तरह से आप 1 किलो गोबर का खाद डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह लकड़ी से बना राख है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है। इसका मिट्टी में डालने से यह होता है कि मिट्टी में जो भी फंगस लगते हैं सबको यह जड़ से ख़त्म कर देता है और मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो इसका आपको 1 पाव ले लेना है, यानी 250 ग्राम, और मिट्टी में डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है जिसमें जो कि NPK का काम करता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका भी काम है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में जो भी कीट पतंगे लगते हैं उसका यह जड़ से सफाया करता है। तो उसका आपको 2 से 3 चम्मच ले लेना है और पुराने गमले की मिट्टी में आप इसी तरह से डाल देना है। दोस्तों देखिए, यह चूना है,
इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम मौजूद रहता है। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको मिट्टी में मिलाने से ये होता है कि मिट्टी में जो भी कीट पतंगे लगते हैं वह खत्म कर देता है और कैल्शियम की कमी को यह पूरा करता है। और बरसात में तो ऐसे भी ताकतवर मिट्टी चाहिए, क्योंकि इस सीजन में कीट पतंगे का बहुत आतंक हो पहलता है और मिट्टी में फंगस लगता है, तो उसका आपको 1 से 2 चम्मच ले लेना है और गमले में की मिट्टी जो पुरानी थी इसी तरह से मिला लेना है। वेस्ट से निकले लहसुन का छिलका है, इसमें प्रचुर मात्रा में एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है और यह भी मिट्टी में जो भी फंगस लगता है उसको जड़ से सफाई करता है, कीट पतंगे को करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो उसको आपका 100 ग्राम ले लेना है और मिट्टी में डाल देना है। तो देखिए यह नीम का पत्ता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंटी फंगल का काम करता है, तो उसका आपको ले लेना है नीम के पत्ता को और सुखा कर रख लेना है। इसके मिट्टी जो है गमले में उसमें आपको डाल देना है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़बरदस्त मिट्टी चाहिए जिसके आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे और फंगस नहीं लगेंगे और मिट्टी उपजाऊ हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से करीब करीब 100 ग्राम या 200 ग्राम ले लीजिए और मिट्टी की डालकर। दोस्तों आपको बालू 2 किलो करीब लेना है, इससे आपके हल्की मिट्टी तैयार हो जाएगा, जो कि अगर आप मिट्टी में डाल दीजिएगा तो मिट्टी आपके वेल ड्रेन होगा। और यह सभी को मिला लेना है, मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से और गमले की आप ताकतवर मिट्टी बनाइए और इस प्लांट इस मिट्टी में आप कोई भी पौधे को लगाइए, चाहे वह फल वाले हो, सब्जी वाले हो या फूल वाले हो या इंडोर प्लांट हो, क्योंकि बरसात के मौसम में मिट्टी आपकी अगर अच्छी होगी तो प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ेगा और बहुत जल्दी प्लांट्स ग्रोथ करेगा और फूल एवं फल से आपका पौधा लग जाएगा। तो दोस्तों अब मेरी मिट्टी तैयार हो गई है, मैं इसे थर्माकोल वाले डब्बे में फिलिंग करूंगा, उसके बाद प्लांट्स को लगाऊंगा। दोस्तों मैं आपको थर्माकोल का डब्बा इसलिए लेने बोल रहा हूँ कि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, डीप एवं लंबाई चौड़ाई, जिसमें आप प्लांट्स को लगाइए आसानी से ग्रो करता है। ड्रेनिंग होल निचली सतह में कर दीजिए, क्योंकि आपको जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और जो भी आप प्लांट्स लगाएंगे अच्छे से ग्रो करेगा और पानी का ड्रेनिंग होल क्लियर रहेगा तो सब आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हमने किचन वेस्ट से निकले देखिए सब वेजिटेबल के छिलके को हमने जमा करके इसके निचले हिस्से में रख दिया, इससे ये फायदा हुआ कि हमारे खाद के रूप में काम करेगा और गमले कर लिया और जो भी हमने किचन वेस्ट से निकला था उसको निचली सतह में रख कर ऊपर से मिट्टी भर कर पूरे ऊपरी भाग तक हमने मिट्टी फिलिंग कर दिया है। मिट्टी फिलिंग करने के बाद दोस्तों देखिए इसको आप एक साइड से कोड़ के गड्ढा कर लीजिए इस तरह से। गमले में कैसे लगाना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों आपको इसके जो कैरी बैग है उसको निकाल देना है और ये मिट्टी को आपको निकाल के फेंकना नहीं है। अगर आप ये मिट्टी निकाल के फेंक देंगे तो आपके प्लांट्स लगेंगे नहीं और ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जो भी मिट्टी रहता है उसको ऐसे ढीला करके निकाल के फेंक देते हैं और पौधे को लगा देते हैं, जिससे आपका पौधा लगता नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो आपको कुछ करना नहीं है इस बरसात के सीजन में। इसी तरह से आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके आप डायरेक्ट पौधे को लगा कर मिट्टी फिलिंग कर देना है जिसके बाद आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय इतनी बारिश हो रही है कि आपका प्लांट अच्छे से लग जाएगा और या इसमें अच्छे से ग्रो कर जाएगा। उसके बाद दूसरे गमले की भी मिट्टी को कोड़ाई करके आप गड्ढा कर लीजिए, इसी तरह से निकाल दीजिए और मिट्टी आपको इसका फेंकना नहीं है, क्योंकि यही मिट्टी इसकी जान है। तो आप मिट्टी निकाल के गड्ढे कोड़ के आप गमले में लगा कर इसे इसी तरह से मिट्टी फिलिंग आपको कर देना है और मिट्टी आपको जांचना नहीं है। तो आप इस तरह से अगर पौधे लगाते हैं तो आपके पौधे 100% लगेंगे और इस मानसून के सीजन में आपके अच्छे से प्लांट्स जल्दी से लग जाएंगे और ग्रो हो जाएंगे। देखिए दोस्तों कितने सुंदर प्लांट्स लग गए और 1 हफ्ते के बाद मेरा प्लांट्स कितना हेल्दी एवं थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप इसी तरह से गमले की मिट्टी को बनाइए और पौधे को लगाइए, इस रेन सीजन में प्लांट्स आसानी से लग जाते हैं, ना पानी देने का झंझट रहता है और क्योंकि मौसम इतना अनुकूल होता है कि आपके कोई भी पौधे को लगाइएगा तो आसानी से लग जाता है। देखिए ये आपके 1 हफ्ते के रिजल्ट के बाद कितने अच्छे अंगूर के पौधे लग गए हैं और नए नए लीव्स भी निकल रहे हैं और उसकी पत्ती पूरी हरी चमकदार नजर आ रही है। दोस्तों आप मेरे बताए हुए तरीके से प्लांट्स को लगाइए, आसानी से लगेंगे और बहुत अच्छे से लगेंगे,
देखिए कितने सुंदर हेल्दी प्लांट्स इस समय ग्रो हो गए हैं। लगाने के 10 दिन के बाद मेरा पौधा एकदम हरा भरा नजर आ रहा है। इसे आप सहारा देकर बम्बू स्टिक से या पाइप ले लीजिए, बांध के रख दीजिए, जिससे पौधे आपके अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे बताए हुए तरीके से आप गमले की ताकतवर मिट्टी बनाकर पौधे को लगाइए। इस बरसात के सीजन में आसानी से पौधे लगेंगे और जल्दी ग्रो होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रहिए और अपने प्लांट्स को सेफ रखिए इस रेन सीजन। इस मौसम में पौधे बहुत आसानी से लग जाते हैं और कम देखरेख में पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बाय बाय, टाटा।